हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे पास है R5M और हम इसमें लगाने जा रहे हैं एग्जॉस्ट, और जो कि हमारा सामान वहाँ पे रखा हुआ है। और ये हमारे पास फुल सिस्टम एग्जॉस्ट है, ये इसकी बैंड पाइप है, ये एग्जॉस्ट और ये क्लैंप, और ये है आपका स्प्रिंग। तो मैं फ़िलहाल बाइक को बॉडी ओपन करता हूँ और इसमें लगाते हैं। तो भाई लोग, इसका जो ओरिजिनल साइलेंसर था खोल दिया हमने और सेंसर निकाल के बाहर रख दिया है, बिल्कुल ओपन है। स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। बहुत ही गंदी आवाज़ आ रही है, इसमें एग्जॉस्ट लगा देता हूँ आवाज़ वाला, फिर आवाज़ सुनाता हूँ। तो भाई इसमें ना सेंसर की जगह पे 6 नंबर की एलकी का नट दे रखा है, और अगर जो आपकी बाइक में यहाँ पे सेंसर नहीं है, ऊपर जो हेड का हिस्सा है उसके ऊपर सेंसर है, तो ये नट लगा छोड़ देना है। और अगर आपका सेंसर नीचे है तो इस नट को निकालना पड़ेगा आपको, और ये सेंसर यहाँ पे फिक्स होएगा इसका। इसको अच्छे से टाइट कर देना है, क्यों प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इसका सेंसर का आगे से, तो इसकी आवाज़ बिगड़ जाएगी इसमें, और आवाज़ बिगड़ेगी फिर पूरा खोलना पड़ेगा। ये सेंसर हमारा हो गया फिक्स, अब मैं इसको आगे फिट कर देता हूँ। तो भाई लोग, एग्जॉस्ट फिट हो चुका है इसके अंदर, और मैं इसको स्टार्ट करके दिखाता हूँ इसकी साउंड कैसी है। तो ये हमारा हो गया इग्निशन ऑन, और ये हमारी बाइक नॉर्मल स्टार्ट। तो फाइनली हमारी बाइक पूरी कंप्लीट फिट हो चुकी है, स्टार्ट करके मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी मैं इसका छोटा सा एक चक्कर काटता हूँ और फिर आपको बताता हूँ साउंड कैसी है और पिकअप वगैरह में कुछ इफेक्ट है या नहीं है। तो फिलहाल मैं इसको लेके जा रहा हूँ। भाई लोग, बाइक की साउंड बहुत ही ज़्यादा लाउड है, तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। तो आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।